ने लश्कर के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इमरान मलिक और मोहम्मद नसीर खान को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शामली के रहने वाले दोनों आतंकी बताए गए हैं। एनआईए को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके के मामले में तलाश थी। इन दोनों की चलती ट्रेन में धमाका करना चाहते थे दोनों आतंकी, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनके नापाक इरादों को श्रवण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, ये कहा जा रहा है कि धमाका करने की फिराक में दोनों आतंकी थे, क्या जानकारी और लग पाई है इमरान और नासिर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नासिर और इमरान के मामला सामने आया, और वो कैराना कस्बे के रहने वाले हैं, कास्तवाला मोहल्ले के रहने वाले हैं, और उनके फादर हैं जो पूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर राशन की दुकान चलाते हैं। किसी कारणवश 6 महीने पहले वो दुकान से सस्पेंड होने के बाद इमरान अपने भाई नासिर के पास गया था और वहां पर कपड़ा व्यापारी करने का काम करने के शुरू किया था। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में उनकी दोनों की गिरफ्तारी है, और हम हालांकि उनके घर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से घटना की आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने जांच पड़ताल की और बातचीत की, आसपास से लोगों ने बताया कि वो लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन जिस दिल्ली पुलिस में इनका एक भाई था वो अपने अधिकारियों से बदतमीजी करने के मामले में सस्पेंड हो चुका था, जिसे उसे बाद में नौकरी से निकाल दिया। लेकिन जिस तरीके से कैराना का एक बार फिर नाम सुर्खियों में आया, पहले दो आरोपियों को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, अब इन दोनों भाइयों का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके आतंकी संगठन संपर्क की बात सामने आई है। और इस मामले में और भी ये बात पता चली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि और भी गिरफ्तारी कैराना के लोगों की हो सकती है और आगे की जांच चल रही है। बिल्कुल श्रवण, शामली के चुकी दोनों बताए गए हैं यहाँ पर, परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है इस बारे में? परिवार वालों को क्या जानकारी थी इस तरीके से आतंकियों के संपर्क में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर घर पर उनके पहुंचे हैं, उनका घर पर ताला लटका हुआ है, उनके घर में अकेले उनके फादर यहाँ पर रहते थे और उनका जो छोटा भाई इमरान है वो यहाँ से अभी 6 महीने पहले ही गया था, उनके फादर की राशन की दुकान है, और सस्पेंड होने के बाद अपने भाई के पास गया था। हालांकि इमरान की वाइफ भी उसको छोड़कर काम के कारण घर से छोड़कर चली गई है, उनका विवाद चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अपने पिता के चार बेटे हैं, चारों बेटे इधर उधर जाते हैं, रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए ये लोग कपड़े का काम या फिर मारपीट की घटनाओं में भी इनका नाम सामने आता है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बता दें, एनआईए ने लश्कर के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर खान, ये बताए गए हैं। दोनों शामली के रहने वाले बताए गए हैं। ये बता दें, ब्लास्ट करने की फिराक में ये थे, हैदराबाद से इन दोनों की ही गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। घर पर, शामली के घर पर इन लोगों का ताला पाया गया है, जहां पर परिवारजन नहीं है। हालांकि अब पूरी जांच पड़ताल शुरू जो है वो कर दी गई है, लेकिन एनआईए को बड़ी कामयाबी ये मिली है, क्योंकि दोनों ही आतंकियों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों ही ब्लास्ट करने की फिराक में थे।